हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और आज है तारीख 2 जून, दिन है मंगलवार। बस मैं अभी नहा धो के आई हूँ और खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि उनके करेले कड़वे हो जाते हैं। पिछली बार मैंने भरवा करेले की सब्जी शेयर की थी, तो फिर कुछ सवाल आए थे कि दी ऐसा क्या करें जिससे कि करेले कड़वे ना लगें। भाई करेला है तो कड़वा तो हो गई, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे करेला कड़वा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 करेले थे, यानी 1 पाव करेले थे मेरे पास, तो मैंने उनको छल्लों में काटा है। और साथ में ही मैं इसमें मिला रही हूँ आलू। आलू मिला के भी करेले की सब्जी बनती है, सब जगह नहीं बनाई जाती है, कहीं कहीं बनती है। तो मैंने इसमें 3 करेले 2 आलू काटे हैं, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं करेले में आलू मिला के। और बहुत इजी तरीके से मैं सब्जी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा और ज़रा सी मेथी, इनको अच्छे से चटकने तक भून लिया है। उसके बाद उसी गरम तवे में मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया, क्योंकि आप खड़ी धनिया भी भून सकते हो, बट मैंने पिसी वाली ली है। तो यहाँ पे मैंने उनको उसी गरम तवे में भून लिया है हल्का सा। और बस सारे मसाले जो हैं, 1 प्याज, 6-7 लहसुन की कली, आधी अमिया ये आम, और ये भुने हुए मसाले, इन सबको मैं एक ग्राइंडर में पीस लूँगी और नमक भी साथ में ही डाल दूँगी। तो इस तरीके से जो करेले की सब्जी बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी और जल्दी झटपट से बनती है। ये देखिए, इसको ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि करेले की सब्जी हुई या कटहल की सब्जी हुई, इनमें बड़ा अटहर लगता है, यानी कि बहुत टाइम लगता है। तो इसको ईजी बनाना होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, करेले नमक मिले हुए रखे थे, इनको धो लिया है और मसाला पीस लिया है। अब कर लेते हैं सब्जी की तैयारी। तो हो गया ना करेला, बहुत इजी। और बस अब उसमें क्या रह गया, बस मैंने तेल अच्छे से गरम किया, उसमें ज़रा सी हींग डाल दी है, और बस ये जो मसाला पीस के रखा था ये मसाला डाल दिया है। और मसाला जब अच्छे से भुन गया है, तो मैंने इसमें करेले डाल दिए धुले हुए, आलू डाल दिया है, और बस इनको धीमी धीमी आँच में अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, करेले पक जाएंगे, आलू पक जाएंगे, बस उसके बाद बंद कर देंगे। साथ में मैंने चढ़ा दी थी अरहर की दाल, तो दाल भी बन गई है। और दाल जैसी हो गई तो मैंने चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि अरहर की दाल, चावल, करेले, इनका तो कॉम्बिनेशन ही अलग होता है। तो दाल में मैंने सिंपल हींग और जीरे का तड़का लगाया है, दाल फ्राई नहीं बनाई है, क्योंकि करेले के साथ ना यही वाली दाल अच्छी लगती है। और नंदिनी ले गई है अपने मौसा जी के लिए खाना लगा के, क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना है। और कल मैंने साफ़ सफाई के, कल नहीं परसों से ही मैं साफ़ सफाई के बहुत काम कर रही हूँ, जिससे मेरे पैरों में, कमर में भयंकर दर्द हुआ, रात में भी बहुत होता रहा है, इसलिए मैं बैठ के खाना बना रही हूँ, क्योंकि खाने में लग जाता है टाइम, कितना भी सोचो। भाई कुछ चाहिए अभी? भाई डकार तो ले लेने जा रहा था कि डकार थाली में नहीं ले लेना। मैं क्या कह रही हूँ बेबी, लॉकडाउन खुल गया है ना, दुकानें भी खुलने लगी है। एक बार ये सारी दुकानें खुल जाए ना, फिर मैं इस बेडरूम का ना कुछ नहीं है इस बचा, इसमें ऐसा धमाकेदार मेकओवर करूंगी। धमाकेदार क्या मतलब, चारों कोनों में अमृत देगी स्वाद कर देगी धमाका। हाँ और फिर लेटा दूंगी तो मैं बीच बेड में। मैं क्यों लेटूंगा भाई, मेकओवर तू करेगी, क्रेडिट तेरे को दूंगा मैं। बहुत ही स्वादिष्ट करेले बने थे। हमेशा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है काम के चक्कर में कि हर बार भरमा ही बना पाओ, तो ऐसे भी बना सकते हैं। और इनको देख लीजिए, पता नहीं कैसे इन्होंने कल वॉशरूम के गेट से अपना हाथ काट लिया। ये देखिए ऊपर से नखरे दिखाने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं ऐसा क्यों बांधा है, ऐसे लटक रहा है, वैसे लटक रहा है। तो मैंने अपना एक पुराना सूती सूट था, उसी का एक टुकड़ा निकाल के इनके हाथ में बांधा था, क्योंकि बैंडेड लगाने से वाइट वाइट हो गया था, बहुत उमस होती है यहाँ पर इसलिए। और यहाँ पे अभी मैंने पूरी किचन साफ़ की है, सिंक विंक बर्तन सब मांजे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, सिर्फ जो खाने वाने के बर्तन थे वो सब साफ़ की है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ आम काटने, क्योंकि पिछली बार मैंने लगभग 1.5-2 किलो आम का अचार रखा होगा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और रख देती हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद ऐसा होगा ना, आम पके हुए आएंगे फिर कच्चे नहीं आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा करके और रख दो। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, यहाँ पे जो आम आते हैं ना, वो बहुत ही गूदेदार, यानी बहुत पल्प होता है उनमें। जो हमारे तरफ देसी आम आते हैं ना, वो गुठली वाले, ज़्यादा गुठली होती है और मटेरियल उसमें, माल कम रहता है, यानी कि पल्प कम रहता है उसमें। तो ये वाला अचार खाने में बहुत अच्छा लगता है, गुठलियाँ नहीं रहती हैं। और इसके अंदर अंदर की जो गुठली थी बड़ी वाली, तो मैंने चाकू से अलग निकाल दी है, इनको मैं क्या करूँगी,
सुखा लूंगी, दाल वाल में डालने के काम आती, क्योंकि आम कट्टे से ही गुठली के आम कट पाते हैं, चाकू से तो ऐसे ही करते हैं। और इनको ढक के रख दिया क्योंकि घर में हल्दी ख़त्म हो गई है। उस दिन मैं सामान लाई तो पता नहीं मेरे माइंड से हल्दी कैसे निकल गई, नहीं ला पाई, लिखा भी था पता नहीं, ध्यान नहीं दे पाई हूँ। तो जब इनसे हल्दी मंगा लूँगी तभी इनको मो के रखूँगी हल्दी और नमक में। अब आ जाइए खाना खाने के लिए, क्योंकि अब हम खा रहे हैं खाना। और कितना कुछ बनाया था मैंने, दाल भी, करेला, सब्जी, रोटी, सब कुछ, लेकिन खाया क्या, सिर्फ और सिर्फ करेला और रोटी, क्योंकि थोड़ा भूख भी कम थी और करेला रोटी खाने का मन था, तो बस वही खाया। और यहाँ पे ये देखिए नंदिनी ने लगाई है रेड कलर की नेल पेंट मेरे हाथों में, और खाना वाना से काम से फ्री होके पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। मैं वही फ़र्श पे तकिया रख के सो गई, नंदिनी मुझे तकिया दे गई थी, क्योंकि फ़र्श साफ़ रहती है और ठंडा रहता है ना तो नींद अच्छी आती है, और आप थोड़ा सा थके हुए हो ना तब और अच्छी नींद आती है। और शाम को ये लेके आए हैं सामान जो मैंने मंगाया था, हल्दी, घी ख़त्म हो गया था घी, और आयान के लिए सेब मंगाए हैं। तो मैं जा रही हूँ इनमें इनको मोने हल्दी और नमक से आम को। तो यहाँ पे मैंने लिया है नमक और थोड़ी सी हल्दी, तो इन दोनों से इसको मो दूँगी और बस ऐसे ही रख दूँगी। ये देखिए इनको अच्छे से उलट पलट दूँगी सारे चारों तरफ, ताकि ये नमक जो है और हल्दी सारे आम में लग जाए, क्योंकि तभी ये पानी छोड़ेंगे जब इसमें अच्छे से नमक लगा हुआ होगा। और जितना ये एक्स्ट्रा नमक है ये अपने आप ही निकल जाएगा पानी के साथ में, बस इनको रख दो। ठीक दिख रही हूँ ना, ठीक दिख रही हूँ। तो अचार मैंने नमक और हल्दी मिला के रख दिए हैं, अचार नहीं सॉरी, जो मैंने आम काटे थे उनको नमक और हल्दी मिला के मो के रख दिया है। तो इसमें जितना भी पानी है वो रात भर में और कल निकल जाएगा, कल ही मैं इनको सुखा दूंगी और कल ही इनका अचार डाल दूंगी। और यहाँ डिनर के लिए मैं बना रही हूँ टमाटर का भरता, मैंने चार टमाटर भुने हैं, और एक प्याज मैंने काट ली है चॉपर से, और बस इसमें हरी मिर्च, नमक, हल्की सी रेड वाली मिर्च डाल दूंगी। बहुत आसान है ये भरता बनाना, लेकिन ये थोड़ा ही थोड़ा मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों से करनी है बहुत ज़रूरी बात, आप लोगों से एक वार्तालाप करना है मुझे। तो बस ये टमाटर का भरता हमारा रेडी हो गया, ये देखिए फटाफट वाला, क्योंकि दाल रखी है, थोड़ा सा करेला रखा हुआ है, तो थोड़ी रोटी सिक जाएंगी, थोड़ा सा भरता हो गया है, फिर एक्स्ट्रा काम क्यों करें, एक्स्ट्रा सब्जी क्यों बनाएं, बर्बाद होगी। इसलिए बस यहाँ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि खाने की बचत करो, जितना खाना है उतना ही बनाओ, उतना ही ठीक है। ये है यमी सा भरता, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन ये चलिए कुछ बातें करते हैं आपसे। हाँ, एक चीज़ पहले ही बता दूँ, आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैं आपको भाषण दे रही हूँ। देखो मैं भाषण बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, कुछ बातें हैं जो मेरे अंदर से निकलती हैं, मतलब ऐसा उफान सा आता है उन बातों का, तो उन्हें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, आप लोग जानते हैं। मेरा ये पलंग की आवाज है और कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा पीछे खिसकी थी। तो इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उफान आएगा ना तो अंदर ही अंदर एक हलचल मचाएगा, और हलचल मचेगी तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो कुछ बातें हैं जो अंदर से आती हैं, दिल की होती है, इनको शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, आप लोगों से एक वार्तालाप होगा ना तो अच्छा रहेगा। और ये टॉपिक है कौन सा जो मेरे अंदर तूफान मचा रहा है, ये भी सुन लो, ये है थाली में खाना छोड़ना। थाली में खाना छोड़ना मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, और ये छूटता क्यों है। चार कारण होते हैं थाली में खाना छोड़ने के। एक कारण उसमें से ये है कि हमें अपनी पेट की नाप नहीं पता होती है कि कितनी नाप है, तो थाली में खाना ज्यादा ले लिया। दूसरा कारण इसका ये होता है कि खाना परोसने वाला कोई और होता है, और हम उसे संकोच में मना नहीं कर पाते, अरे भाई एक ले लो, भाई आधी और ले लो रखवा लो, अरे हो जाएगी। हम उनसे संकोच में मना नहीं कर पाए, वो एक्स्ट्रा हो गई और बाद में डस्टबिन में गई। तीसरा कारण ये होता है कि कुछ लोग इसको मान्यता मानते हैं कि अगर हमने कहीं थाली में खाना नहीं छोड़ा, पूरा छट कर लिया, तो सामने वाला बंदा ये सोचेगा कि शायद ये भूखा रह गया, इसने खाना मांगा नहीं है, खाना पूरा खत्म हो गया, इसलिए वो थोड़ा सा खाना उसमें छोड़ देते हैं इस मान्यता को दिखाने के लिए। तो इन सारे बंधनों से अलग निकल आइए, कोई संकोच नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम खाना बर्बाद करते हैं, सबसे बड़ा पाप होता है अन्न की बर्बादी करना, और इस चीज की कीमत इस टाइम पे पता चल रही है कि कितने लोग हैं जो बिना खाने के हैं इस समय, जिनको दो टाइम खाना नहीं मिलता है,
और कहीं खाना बर्बाद हो रहा होता है, तो कोशिश हमें ये करनी है कि खाने का एक तिनका भी बर्बाद ना जाए, थाली में एक भी जूठा ना छोड़ा जाए। अगर बच्चे भी घर पे ये गलतियां करते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा खाना देना है, उनको ये सिखाना है खाना बर्बाद नहीं किया जाता है, खाने को वेस्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। इस चीज को बच्चों के दिमाग में भी बचपन से डालने की जरूरत होती है कि बच्चे खाना ना बर्बाद करें। तो आज से हम सबको ये कसम खानी है कि खाने का एक दाना भी बर्बाद नहीं करना है, उस एक दाने से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो बस छोटी सी यही बात करना चाह रही थी यहाँ पे। मैं देखो पसीने में नहा गई हूँ बात को करने के लिए, क्योंकि मैं पंखा नहीं चलाई हूँ। अगर पंखा चलाती हूँ तो डायरेक्ट आवाज नहीं जाती है मेरी, आवाज गूंजती है पंखे के साथ में, लेकिन बात करनी है तो थोड़ा सा तो ये सब होगा ही ना। पता है आज क्या कमेंट आया है? क्या कमेंट आया बताऊं क्या? सर एक कमेंट आया है कि आपके पति आपसे पैर छुलवाने को बोलते रहते हैं, वो छूते हैं क्या तुम्हारे पैर कभी? नहीं, ये सही है। हस्बैंड को पैर दबाने भी चाहिए, पैर छूने भी चाहिए। वाह मोदी जी वाह, पैर छुलवा भी क्यों नहीं देख लेती है, बहुत मजा आएगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम झूठ ना बोला, कोई नहीं पैर दबाता है। आप लोग बताओ कोई पैर दबाता है आजकल ये कैमरे के सामने ऐसा बोलते हैं? मैं दबाई नहीं सकता, मैं तोड़ने वाला आदमी, तोड़ता हूँ इसके रोज रात में। चलिए इसी के साथ में आज हम दोनों रेड रेड हो रहे हैं, खतरे का निशान है। और कल व्लॉग नहीं आएगा तो बेटर है कि जितने लाइक कर सकते हैं इसी व्लॉग पे कर दीजिए, ताकि कल की भी रिकवरी हो जाए। कल तो आज तुम्हारे पैर तोड़ूंगा ना, तुमने बात जो कही है ना उस पर तुम्हारे पैर तोड़ना बनता है, और तुमको रिकवर होने में 2 दिन लगेंगे। फिर कल ऑफिस जाना है ना तुम्हें, जाना है। हाँ तो बस, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। हाथ हटा लो, तुम कहोगे यहाँ सब्सक्राइब क्यों कर रही हो, वहाँ लाइक क्यों कर रही हो, हाथ तुड़वाने इतना क्यों घुमा रही है? अरे तो ऐसे तो बोलेंगे ना, ये बताओ कोई बात जब करेगा तो उसके हाथ ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे तो बात कैसे करेगा? फिर देख, अभी अभी मैंने पैरों के बारे में सोचा, हाथों के बारे में सोचा नहीं है। तो चलो मुट्ठी बांध के, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं, ऐसे बोलूंगी। मिलते हैं अपने दोस्त एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में, और आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ बाय बाय नहीं, पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, लिव हेल्दी, बी हैप्पी।